क्योंकि लड़ाई ही एमएसपी को बढ़ाने की है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें भी हमने दिखाई, क्या मांग की जा रही है ये भी हमने देखा। बहरहाल आपका, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमन, शालिनी, अभिजीत और जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एमएसपी पर राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस किसानों को कई सालों से झूठा भरोसा दे रहे हैं। हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है, हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। आप जब सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं, आप कुछ झूठे आश्वासन दे रहे हो और ये ढोंग है, ये मैंने बताया।